हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बीए थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स जो हिंदी गद्य पढ़ते हैं अपने थर्ड सेमेस्टर में, उनके लिए यह वीडियो है। और आज की वीडियो में जितने भी मैं प्रश्न बताने वाली हूँ, आप सभी लोगों के हिंदी गद्य की परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसलिए सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा और उन सभी को याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपके हिंदी गद्य का सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया था और साथ ही साथ आपकी क्लास भी स्टार्ट कर दी थी और मैंने आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट करा रखा है। कुछ कुछ चीजें बाकी हैं, करा दूंगी। तो प्लेलिस्ट की लिंक मैंने बना दी है और आज की वीडियो में मैं जितने भी प्रश्न आपको बताऊंगी तो साथ ही साथ उन सभी के उत्तर भी आपको बताऊंगी ताकि आप अच्छे से याद कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, गद्य किसे कहते हैं, गद्य का क्या महत्व है। तो गद्य किसे कहते हैं, देखिए, जो रचना गद्य छंद के बंधन से मुक्त हो वह गद्य कहलाती है। और गद्य द्वारा अपने विचारों और भावों को सरल, सहज और स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है तो वो क्या कहलाता है, गद्य कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी गद्य के प्राचीन रूप का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो हिंदी गद्य के प्राचीन रूप कैसा था, हिंदी गद्य का प्राचीन रूप तत्कालीन दान पत्रों, पट्टों, परवानों, ग्रंथों की टीकाओं और अनुवादों से मिलता है। इसमें ऐतिहासिक और काल्पनिक कथाएं भी मिलती हैं। यह राजस्थानी गद्य कहलाता है। अब देखिए, अगला है आपका प्रश्न, द्विवेदी युग का समय बताइए और उस व्यक्ति का पूरा नाम लिखिए जिसके कारण इसे द्विवेदी युग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए, द्विवेदी युग का समय कब से कब तक था, तो द्विवेदी युग जो था वो 1900 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक था। और द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से पड़ा, तो इन्हीं के नाम से इस युग को द्विवेदी युग कहा जाने लगा। अब देखिए, अगला है, शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकारों के नाम लिखिए। देखिए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। शुक्ल युग के प्रमुख जो गद्यकार थे उनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, जयशंकर प्रसाद थे, प्रेमचंद थे, राय कृष्णदास थे, शांति प्रिय द्विवेदी थे, माखनलाल चतुर्वेदी आदि थे। तो आप इन सभी गद्यकारों के नाम लिख दीजिएगा, शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकार हैं ये सभी। अब देखिए, अगला आपका प्रश्न है, हिंदी गद्य, हिंदी के दो गद्य लेखकों के नाम बताइए, किन्हीं भी हिंदी के दो गद्य लेखक। तो आपने याद करना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के दो गद्य लेखक हैं। देखिए, अगला है आपका प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वातंत्र्योत्तर युग के प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए या फिर आधुनिक युग के किन्हीं दो गद्य लेखकों के नाम लिखिए। तो इस तरह से भी पूछ सकता है। तो अगर दो के पूछेगा तो आप इनमें से किन्हीं दो के लिख दीजिएगा, और प्रमुख लेखकों के नाम पूछेगा, आधुनिक युग के प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। तो आप देखिए कौन कौन से लेखक हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, महादेवी वर्मा हैं, रामधारी सिंह दिनकर, उसके अलावा जैनेन्द्र कुमार हैं, शिवदान सिंह चौहान हैं, विजयेंद्र स्नातक हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, नामवर सिंह हैं, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं, राहुल सांस्कृतियायन हैं, कुबेरनाथ राय हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो अलग अलग युग है ना हिंदी में गद्य के, तो उन युगों में जो भी महत्वपूर्ण प्रमुख जो भी लेखक रहे हैं उनके नाम आपको याद रखने होंगे क्योंकि एग्जाम में एकदम जरूर पूछता है। तो इसलिए आज के वीडियो में देखिए उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए ये सभी एकदम याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछेगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु को छोड़कर भारतेंदु युग के किन्हीं दो साहित्यकारों के नाम लिखिए। क्योंकि भारतेंदु से तो आप लोग फौरन लिख लेंगे, भारतेंदु युग, तो एग्जाम में प्रश्न इस तरह से भी पूछ देगा कि भारतेंदु को छोड़कर भारतेंदु युग के किन्हीं दो साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो अब एक प्रश्न देखिए, इस तरह से भी पूछ सकता है, भारतेंदु के सहयोगी दो लेखकों के नाम लिखिए या भारतेंदु काल के किन्हीं दो प्रसिद्ध लेखकों के नाम लिखिए। तो इस तरह से पूछे अगर, तो
आपने लिखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाबू देवकीनंद खत्री, या पंडित किशोरीलाल गोस्वामी, पंडित बालकृष्ण भट्ट, या पंडित प्रताप नारायण मिश्र, और देखिए बाबू बाल मुकुंद गुप्त आदि। अब देखिए इस तरह से अगर पूछ दे कि भारतेंदु को छोड़कर भारतेंदु युग के किन्हीं दो साहित्यकार के नाम लिखिए, तो आप भारतेंदु हरिश्चंद्र को छोड़कर इनमें से किन्हीं दो के नाम लिख दीजिएगा। और भारतेंदु के किन्हीं दो प्रसिद्ध लेखकों के नाम पूछे भारतेंदु काल के, तो किन्हीं भी दो का लिख दीजिएगा, उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेरी कॉलेज डायरी के रचनाकार का नाम लिखिए। देखिए जिनका पेपर MCQ बेस्ड पर आता है ना, उनके लिए भी यह वीडियो हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन MCQ में भी दिए जाते हैं। तो मेरी कॉलेज डायरी के लेखक हैं, रचनाकार हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अगला है, खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक उन्नायकों में से किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो उनमें से पहले हैं मुंशी सदा शुक्लाल, दूसरे मुंशी इंशा अल्लाह खां, तो याद रखिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रेमचंदोत्तर किन्हीं दो उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो प्रेमचंदोत्तर युग के किन्हीं दो उपन्यासकार में पहले यशपाल, दूसरे उपेंद्रनाथ अशक। अगला देखिए, द्विवेदी युग के दो गद्य लेखकों का नाम लिखिए। देखिए सिर्फ गद्य लेखकों के नाम इसमें मैं आपको बता रही हूँ, तो आप एकदम अच्छे से हर युग के लेखकों के नाम को याद कर लीजिएगा। तो द्विवेदी युग के किन्हीं दो गद्य लेखक में सरदार पूर्ण सिंह और दूसरा डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। अगला है, आधुनिक काल के की दो महिला उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो आधुनिक काल की दो महिला, पहला शिवानी, दूसरी मन्नू भंडारी, तो नाम याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिए, भारतेंदु युग के दो गद्यकारों के नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग के दो गद्यकार में पहले हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र और दूसरे हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला आपका प्रश्न है, द्विवेदी युग के किन्हीं दो प्रसिद्ध उपन्यास लेखकों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के किन्हीं दो प्रसिद्ध उपन्यास लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा और दूसरे हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। अब देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, द्विवेदी युग के किन्हीं दो प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखिए। देखिए द्विवेदी युग के उपन्यासों के नाम पूछ रहा है, कहानीकारों के नाम पूछ रहा है, गद्यकारों के नाम पूछ रहा है, निबंधकारों के नाम पूछेगा, इसी तरह से पूछेगा, तो इसलिए अलग अलग सभी लेखकों के कम से कम दो के तो नाम याद रखिएगा, किन्हीं दो उपन्यासकारों के, किन्हीं दो कहानीकारों के, ताकि एग्जाम में पूछे तो आप फंसे ना, आसानी से लिख लें। इसलिए इस वीडियो में दिए जाने वाले सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए द्विवेदी युग के किन दो प्रसिद्ध कहानीकार, पहले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दूसरे हैं विशंभरनाथ शर्मा कौशिक। अब देखिए अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास एवं उसके लेखक का नाम लिखिए। तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसके राइटर हैं लाला श्रीनिवास दास। अब देखिए अगला है, छायावाद युग के उन दो गद्य लेखकों के नाम लिखिए जो कवि न हो, क्योंकि देखिए छायावाद युग में जो गद्य लेखक हैं वो कवि भी हैं कुछ लेखक, तो किन्हीं ऐसे दो गद्य लेखकों के नाम लिखिए छायावादी युग के जो कवि नहीं थे सिर्फ लेखक थे। तो पहले हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह, दूसरे हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। अब देखिए अगला है, हिंदी के दो प्रसिद्ध आलोचकों के नाम लिखिए। तो हिंदी के दो प्रसिद्ध आलोचक हैं, पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरे हैं डॉक्टर नगेंद्र। अगला है, रिपोर्टार्ज लेखकों में से दो लेखकों के नाम लिखिए। तो रिपोर्टार्ज लेखक थे डॉक्टर रांगे राघव और दूसरे थे धर्मवीर भारती, ये लोग रिपोर्टार्ज को भी लिखते थे। अब देखिए अगला है, द्विवेदी युग के दो संपादकों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के पहले संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और दूसरे बाबू बाल मुकुंद गुप्त। अगला है, द्विवेदी युग के किन्हीं दो प्रमुख आलोचकों के नाम। तो पहले हैं पद्म सिंह शर्मा, दूसरे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अब देखिए अगला है, भारतेंदु युग की किन्हीं दो प्रमुख पत्रिकाओं और उसके संपादकों के नाम लिखिए। तो पहले हैं ब्राह्मण,
पंडित प्रताप नारायण मिश्र और दूसरे हिंदी प्रदीप के बाल कृष्ण भट्ट। देखिए क्या प्रश्न था कि दो प्रमुख पत्रिकाओं, तो पत्रिका एक हो गई ब्राह्मण जिसके संपादक थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र, और दूसरी पत्रिका है हिंदी प्रदीप भारतेंदु युग की जिसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। अगला देखिए, आधुनिक युग के एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखिए। तो आधुनिक युग के एक प्रसिद्ध जो आलोचक थे वो थे डॉक्टर नगेंद्र। अगला है छायावाद युगीन गद्य साहित्य को समृद्ध करने वाले दो लेखकों के नाम लिखिए। तो छायावादी युग में जो बहुत प्रसिद्ध हैं वो है जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।